हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी टेट ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि इसका नोटिफिकेशन किस मंथ में जारी किया जा सकता है, इसका एग्ज़ाम किस मंथ में हो सकता है, इस वर्ष का जो एग्ज़ाम है ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, बीएड बीटीसी अपेयरिंग वाले बच्चे फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो यूपी टेट 2024 की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। यूपी टेट सी टेट टीचिंग एग्जाम की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए अभी कभी एजुकेशन बिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पर जरूर से जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूपी टेट का नोटिफिकेशन तब तक नहीं आएगा जब तक नए आयोग को अध्यक्ष नहीं मिल जाते हैं। देखिए, आज की अपडेट ये है कि जून भी बीत गया और नए आयोग को नहीं मिले स्थायी अध्यक्ष। तो जब तक स्थायी अध्यक्ष नहीं मिल जाते हैं तब तक यूपी टेट का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कब तक जो है अब नए आयोग को जो है अध्यक्ष मिल सकते हैं एंड इसका जो नोटिफिकेशन है किस मंथ में जारी किया जा सकता है। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जून का महीना भी बीत गया लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नए स्थायी अध्यक्ष अब तक नहीं मिल सके। स्थायी अध्यक्ष की जो है नियुक्ति ना होने के कारण नीतिगत फैसले अटके हुए हैं, नई भर्तियों को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है और पुरानी लंबित पड़ी भर्तियों को की जो परीक्षा तिथि है अब तक तय नहीं हो सकी है। आगे देखेंगे, शिक्षा सेवा चयन आयोग के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए लोकसभा चुनाव से पहले आवेदन मांगे गए थे। आवेदन की मियाद बीतने के बाद भी अध्यक्ष का नाम नहीं तय हो सका है और जो है शासन ने दोबारा आवेदन मांग लिए। इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई और यहाँ पे देखेंगे इसकी वजह से अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया अटक गई है। चर्चा थी कि आचार संहिता हटते ही जो है आयोग के स्थायी अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन जून भी बीत गया और आयोग को अब तक कोई अध्यक्ष नहीं मिला। उधर अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 10-17 पदों और अशासकीय माध्यमिक महाविद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 41-63 पदों पर जो है भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया को अगस्त में 2 साल पूरे हो जाएंगे, यानी कि आने वाले अगस्त में जो है 2 साल इसको पूरे हो जाएंगे और अभी तक टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब तक आयोग को स्थायी अध्यक्ष नहीं मिलेंगे तब तक ना ही जो है यूपी टेट होगा, ना ही यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम होगा, पीजीटी का एग्ज़ाम होगा और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे आखिर आयोग को अध्यक्ष कब तक मिलेंगे? तो देखिए, अभी तक तो अनुमान लगाया जा रहा था जून में, बट इसको आप अब मान के चलिए कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक जाएगा इसका प्रोसेस, अगस्त फर्स्ट वीक तक इसका प्रोसेस जाएगा। जो अध्यक्ष की नियुक्ति होना बाकी है, सदस्य की नियुक्ति हो गई है सदस्यों की, बाकी अध्यक्ष मिलना बाकी है, उसके बाद ही यूपी टेट यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे इसका जो नोटिफिकेशन है कब तक आ सकता है। देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे एग्ज़ाम के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। इसका जो एग्ज़ाम है दिसंबर में हो सकता है, दिसंबर में यूपी टेट का एग्ज़ाम दिसंबर में हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे नवंबर जा सकता है या तो सितंबर, आप लास्ट मान के चलिए, सितंबर लास्ट मान के चलिए कि इसका जो फॉर्म है आपको देखने को मिलेगा, यानी कि नोटिफिकेशन के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम आपका दिसंबर में ही हो पाएगा। इस वर्ष हर हाल में आपका जो है यूपी टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अगर आपका सी टेट नहीं क्वालिफाई है तो आप यूपी टेट की तैयारी में जुड़ जाइए। अगर आपका बीएड बीटीसी कंप्लीट हो गया है, क्योंकि वैकेंसी की सुनवाई है, 45,000 वैकेंसी आनी है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ताकि और भी डिपार्टमेंट में जो है वैकेंसी आने की सुनवाई है, एक दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की कटिंग वायरल हो रही है। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि सितंबर में आपका जो नोटिफिकेशन है देखने को मिल सकता है, मैंने आपको बता दिया, एंड दिसंबर में आपका जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। ठीक है ना, सितंबर से आप प्लस ही मान के चलना, कोई फिक्स नहीं है, बाकी एग्ज़ाम आपका जो है वही दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, अक्टूबर भी आपका जो है नोटिफिकेशन जा सकता है, क्योंकि अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल फिक्स नहीं कह सकते हैं जब तक अध्यक्ष नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बीएड बीटीसी अपेयरिंग वाले बच्चे फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल आप लोग फिल कर पाओगे। अगर आप यूपी टेट का जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपकी जो यूपी टेट की मार्क्सशीट रहेगी वो वैलिड रहेगी लाइफ टाइम के लिए। ठीक है ना, बाकी ना ही एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव होगा, ना ही सिलेबस में बदलाव होगा। जो पहले आपका एग्ज़ाम
एग्जाम पैटर्न था वही रहेगा इस वर्ष भी, जो सिलेबस पहले था वही रहेगा। बस वही पीआरटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीडीपी के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड मैथ के 30 क्वेश्चन। लैंग्वेज वन आपका हिंदी रहेगा, लैंग्वेज टू में आप संस्कृत इंग्लिश उर्दू तीन में से एक ले सकते हो, बाकी ईवीएस आपका रहने वाला है। वहीं जो बच्चे बीएड वाले हैं, बीटीसी वाले 6 to 8 दे पाएंगे बट बीएड वाले केवल 6 to 8 ही दे पाएंगे। तो उसमें 30 क्वेश्चन सीडीपी के, लैंग्वेज वन 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज टू आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, बाकी 60 क्वेश्चन अगर आप बीए किए हैं तो एसएसटी के रहेंगे। मैथ साइंस अगर आपका रहा है तो मैथ साइंस के 60 क्वेश्चन पूछेंगे। टोटल 150 नंबर का जो है पेपर होता है, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, परीक्षा ऑफलाइन होती है। 150 में से अगर आप 82 लाते हो एसएसटी ओबीसी हो तो आप पास माने जाओगे, 90 लाते हो अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आप पास माने जाओगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट ले सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9305 87134 पे आप हमें व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हो, ठीक है। बाकी बिल्कुल फ्री में यूपी टेट एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी, तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड अपडेट हैं वो अपडेट आपको मिल सके, ठीक है। तो आपको अक्टूबर अभी मान के चलना है, अक्टूबर मान के चलिए कि अक्टूबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।